तो आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबला होने वाला है ग्रेसिया और दोस्तों कोस्टा अडिसॉल के बीच में, इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वेन्यू स्टेट्स के बारे में। तो आप देख सकते हो कार्डमा ओवल कार्डमा में मुकाबला होने वाला है दोस्तों। आमतौर पर अच्छा स्कोरिंग विकेट ही माना जाता है। टोटल यहां पर 25 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं, जो ग्रुप सी के मुकाबले हैं और बी के मुकाबले हैं उनमें टोटल 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए 13 मुकाबले भी किए हैं। एवरेज थोड़ा नीचे आया है, 98 एवरेज यहाँ पर आया है। यदि बात की जाए जो ग्रुप सी के मुकाबले हो रहे हैं, जो कल मुकाबले खेले गए थे 5, उनके बारे में तो आप पाओगे यहाँ पर 3 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 2 मुकाबले सेकंड बल्लेबाजी करते हुए विन किए थे। इनमें से एक दोस्तों CDS ने विन किया था। यहाँ पर बात की जाए CDS की संभावित 11, दोस्तों स्ट्रांग टीम है, थोड़ी मुझे GRA से भारी लग रही है CDS की टीम। आप यहाँ पर देखोगे तो 40 रन विकेट नहीं मिला, लिरिमर का 3 रन और 59 रन। उसके बाद बात की जाए रिचर्ड लेक के बारे में तो 37 रन 1 विकेट, यहाँ पर 1 रन 1 विकेट और यहाँ पर 9 रन गेंदबाजी यहाँ पर इन्होंने नहीं किए दोस्तों। दोनों ही इंपोर्टेंट हैं प्लेयर ओपनर, आप दोनों को नोट करिएगा। एंड्रू कॉम ज़्यादा कुछ खास इन्होंने नहीं किया, एक मुकाबले 19 किए, पहले वाला मुकाबला था, उसके बाद 1 रन और 0 रन। उसके बाद बात की जाए एल्विस नुसान एल्विस का, आप देखोगे तो 0 रन 26 रन और 0 रन। उसके बाद बात की जाए डेटसन, इनकी 2 मैच में बल्लेबाजी आई थी, 1 में बल्लेबाजी नहीं आई, 1 रन और 8 रन इन्होंने स्कोर किया था। जेम रियली आप दो टीम में जेम रियली हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक खेलेगा एक नहीं खेलेगा। उसके बारे में आपके लिए जो भी अपडेट आएगी ना मैं टेलीग्राम पर करूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके लिए टेलीग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखोगे जेम्स रियली का 1 विकेट और 1 मुकाबले में इन्हें विकेट नहीं मिला था। प्लेयर अच्छे हैं, अच्छी गेंदबाजी है करते हैं। तेजुद्दीन ने दोस्तों सिर्फ 1 मुकाबले में गेंदबाजी की, 1 मुकाबले में इन्होंने गेंदबाजी नहीं की। यहाँ बात की जाए दोस्तों यहाँ पर रेनॉल्ड्स के बारे में, तो इनका देखोगे 1 विकेट खेले सॉरी गेंदबाजी नहीं कराई गई और फिर 1 विकेट। उसके बाद क्रिस बीटन का देखोगे 1 विकेट इंपोर्टेंट बॉलर हैं, नोट करिएगा दोस्तों। उसके बाद बात की जाए रिचर्ड हैचमैन के बारे में, तो यहाँ पर देखोगे 2 विकेट निकाले, यहाँ पर विकेट इन्हें नहीं मिला और 1 मुकाबले ये खेले नहीं थे। उसके अलावा बात की जाए कनिंगम के बारे में, तो कनिंगम ने 1 मुकाबले में गेंदबाजी की और 1 विकेट इन्होंने निकाला। एक कुछ लेखा जिखा है दोस्तों CDS की टीम की। अब हम बात करते हैं GRA की टीम के बारे में। यहाँ पर दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं जमा कर लाया हूँ, लेकिन यदि फिर भी कोई चेंजेस होता है ना तो टेलीग्राम पर अपडेट मैं करूँगा, तो प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपके लिए टेलीग्राम की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ एक मैं क्रिस बीटन का बताना भूल गया था, इन्हें एक मैच में ओपन के लिए प्रमोट किया गया था जिसमें इन्होंने 7 रन का स्कोर किया था, तो एक कुछ आपके लिए चीज़ ध्यान में रखने लायक हैं क्योंकि क्रिस बीटन से दोस्तों टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई जा सकती है, तब ओपन करा सकते हैं, तो एक आधा मैच में दोस्तों इन्हें प्रमोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, लिंक आपके लिए टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप बात की जाए तो GRA के देखो कुलदीप लाल 65 रन और दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे 68 रन की 2 इनिंग शानदार खेलकर आए हैं, टॉप ऑर्डर इनका काफ़ी धमाकेदार है। और दोस्तों लास्ट मुकाबला GRA CDS को हरा कर आई है, याद रखिएगा लास्ट मुकाबला GRA CDS को हरा कर आई है। उसके बाद बात करिए मुख्तर सिंह 10 रन 1 विकेट और 60 रन, यहाँ पर इन्हें विकेट नहीं मिला, तो दोस्तों दोनों ही इंपोर्टेंट प्लेयर ये हो गए। उसके बाद हीरा मेहर का देखोगे 42 रन 2 विकेट 16 रन 1 विकेट, तो आपके लिए हीरा मेहर भी काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेयर हैं, आप बिल्कुल डेफिनेटली इन्हें भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ईशान पटेल 36 रन 4 विकेट और यहाँ पर इन्हें 3 विकेट मिले, तो इन्होंने दोनों ही मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी की है और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है एज अ कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। मन बाबनी ने कुछ नहीं बनाया दोस्तों 0 विकेट, यहाँ पर MS सिंह से गेंदबाजी नहीं की गई, तेजेंद्र सिंह से गेंदबाजी कराई गई, लास्ट मुकाबले में 2 विकेट निकाले, इससे पहले इन्हें विकेट नहीं मिला। इसके बाद साहिल का देखोगे तो इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, चौहान से भी दोस्तों गेंदबाजी, राठौर से भी नहीं, यहाँ पर ठाकुर से सिर्फ गेंदबाजी कराई गई थी दोस्तों। इनका कोई अभी तक दोनों ही मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं आया है क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे
तीनों गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। उसके बाद यदि एक आध दो गेंदबाजों की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों आपके पास ठाकुर हैं, तेजेंद्र सिंह हैं और मनभावनी हैं, तो यहाँ पर एम साहिल, चौहान और राठौर, इनकी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं आती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनकी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं आती है। तो आप दोस्तों टॉप ऑर्डर पर फोकस कर चलिएगा। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर मैं आपके लिए बता देता हूँ, कुलदीप, मुख्तर सिंह, मेह, ईशान पटेल, चार दोस्तों ए इम्पोर्टेंट इनकी टीम की ओर से हैं। और इनकी टीम की ओर से देखोगे दोस्तों ली रेमर, रिचर्ड लीक, और दोस्तों इसके अलावा आप जेम्स रियली के साथ जा सकते हो, और दोस्तों आपके पास क्रिस बीटन, क्योंकि दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अब हम बात करते हैं हमारी टीम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की। यहाँ पर देखोगे के लाल इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, क्रॉम भी आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन है, और दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर मैं के लाल को अपनी टीम में ट्राई करना चाहूँगा। बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन की, उससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और दोस्तों टेलीग्राम की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में ही आप माय फेवलेवन डाउनलोड कर सकते हो, माय फेवलेवन की लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए राज 123 कोड डालना है। इससे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों स्मॉल लीग के लिए तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकती है, तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई करके देखिएगा, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे रिचर्ड लीक, एल रेमारियो और ठाकुर, इन तीनों को मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा। ठाकुर को हालांकि आप एज अ बॉलर ट्राई करिएगा, बल्लेबाजी इतनी इन्होंने नहीं की, एज अ बॉलर इन्हें ट्राई करिएगा, एज अ बल्लेबाजी इन्हें ट्राई मत करिएगा। यहाँ पर देखोगे एल्विस इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, साहिल भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, और दोस्तों जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा ना उसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिलेगी, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन करना हमारा बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, मेह को आप ट्राई कर सकते हो, आई पटेल हैं, एम सिंह हैं, इसके बाद रियली को आप, इनको आप ऑलराउंडर सेक्शन में ट्राई कर सकते हो क्योंकि सभी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों यदि आप कुछ मिस कर आए हो वीडियो का तो लास्ट पार्ट जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप डायरेक्ट फाइनल टीम के चक्कर में मत रहिएगा क्योंकि वहाँ देखोगे तभी आपके लिए आइडिया मिलेगा तभी आप एक दोस्तों शानदार टीम तैयार कर पाओगे। तो इन चार ऑलराउंडर को मैं अपनी टीम में ट्राई अभी कर रहा हूं। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग सेक्शन में मनभावनी है दोस्तों, हैचमैन है, इन दोनों को ट्राई कर रहा हूं, तेजेंद्र सिंह है। उसके बाद दोस्तों तेजेंद्र सिंह की जगह यदि आप क्रिस बीटन को ट्राई करना चाहते हो ना तो आप इन्हें कर सकते हो क्योंकि इनसे एक मुकाबले में ऊपर बल्लेबाजी कराई गई थी। यहां पर और देखोगे तो और तो आपके काम के ऑप्शन यहां पर अवेलेबल नहीं है, और दोस्तों कोई चेंजेस होगा और कंफर्म बैटिंग ऑर्डर मैं आपके लिए टेलीग्राम पर अपने पे प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों फिलहाल की स्थिति में मैं क्रिस बीटन को ट्राई अपनी टीम में कर रहा हूं। आप चाहो तो बिल्कुल डेफिनेटली तेजेंद्र सिंह को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, हाई रेटेड बल्लेबाज गेंदबाज हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात की जाए यहाँ पर कैप्टनशिप, वाइस कैप्टनशिप के बारे में, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके पास आई पटेल है, आप इन्हें कैप्टनशिप वाइस कैप्टनशिप दे सकते हो। उसके अलावा हीरा मेह हैं, उसके बाद बात की जाए रिचर्ड लीक हैं दोस्तों, और बात की जाए एम सिंह भी अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, लेकिन आपके लिए जो फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन आएंगे ना आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर आएंगे, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपके लिए टेलीग्राम की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके लिए टेलीग्राम दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट ज्ञानी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।